सुनिएगा, मैं आपको ही बता रहा हूँ, आज़ादी के 75 साल बाद मुझे शर्म आ रही है कि मैं इन 5 मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। रोड, ड्रेनेज, वाटर, हेल्थ केयर और एजुकेशन। बगैर घोड़े बाजारी के तो यहाँ कुछ नहीं है। मैं भिवंडी में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। जब हम 8 से 12 करोड़ रुपया एजुकेशन सेस के नाम पे हम भिवंडी कर भरते हैं हर साल, तो क्यों एजुकेशन सेस का घर पट्टी में लिखा रहता है एजुकेशन सेस? 8 से 12 करोड़ रुपया भरा जाता है और 28,000 बच्चे पढ़ रहे हैं भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, 2 साल से पढ़े नहीं। पारोल वाले रोड पे एक छोटा चिमनी पाड़ा, वहाँ डिलीवरी होती। हमारे 17 में कहीं कोई डिलीवरी नहीं होती। प्राइमरी मेडिसिन भी रेगुलर नहीं रहती। मगर आपने सुना था क्या कि 2019 से पहले डेवलपमेंट की बात होती थी? 2019 से पहले तो ऐसा भी नहीं कि भिवंडी एकदम जो खसारे में था, कि भिवंडी के अंदर स्टीम का छोड़ के जो पानी हमको रॉ वाटर मिल रहा है, आज हम विदाउट फिल्टर हम रॉ वाटर पी रहे हैं। फिल्टर चौकअप हो जाते हैं हमारे। अगर लोग किसी को चुन के दे रहे हैं, किसी भी गट किसी भी पार्टी को, तो उनका एतमाद रहता है उस पार्टी पे, इसलिए चुन के दे रहे हैं। अगर इन्हीं को चुनना होता तो बीजेपी को चुने होते, लोग शिवसेना को चुने होते। जिससे मुझे लगा ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं चला जाऊँगा, आया हूँ तो कायदे से करूँगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। गैलेक्सी डेकोर कंप्लीट होम सॉल्यूशन, थाने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शोरूम, जहां आपको मिलेगा प्लाईवुड, सनमाइका, वॉलपेपर, चारकोल, शोपीस, आर्टिफैक्ट्स, कर्टन, सोफा सेट, मेन डोर जाली और भी बहुत कुछ। 2000 से भी ज्यादा लेमिनेशन डिस्प्ले, अ कंप्लीट होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। एक बार जरूर विजिट कीजिए गैलेक्सी डेकोर एट माधरे कंपाउंड, अपोजिट आदेश टावर, नियर शंकर डाइंग, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष रियाज आजमी साहब के पास में। रियाज आजमी साहब से हम थोड़ी सी बात करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, शहर के हालात को लेकर, और हाल ही में जो कॉरपोरेशन के अंदर हो रहे क्या कहेंगे हम, जो भी जिस तरह की उथल पुथल हो रही, जिस तरह की उथल पुथल चल रही, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। कि तो हमारे साथ में रियाज आजमी साहब है। रियाज आजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आप पहली बार हमारे साथ में 1-to-1 आए, इसके लिए आपका विशेष स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जिस तरह की राजनीति हमारे शहर में हो रही है, हमने कल स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में भी देखा था, तो क्या ये शहर की स्वास्थ्य के लिए, शहर के हेल्थ के लिए अच्छा है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए आपके सेंटर के। सर क्या बोला जाए, बीजेपी और शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में एक दूसरे के खिलाफ में, अगेंस्ट में। सिर्फ भिवंडी ऐसा शहर है जहाँ बीजेपी शिवसेना एक होके, और भिवंडी के लार्जेस्ट पार्टी के लोग उसमें मिल करके स्टैंडिंग चेयरमैन बनाते। मतलब यहाँ पे युति है भिवंडी की, मैं शिवसेना और बीजेपी की? हाँ, सिर्फ भिवंडी में ही युति है, बाकी पूरा महाराष्ट्र में तो दोनों खिलाफ खड़े हैं। बीजेपी शिवसेना होने के बाद भिवंडी के लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस, उसके 6 स्टैंडिंग मेंबर आके ये लोग सरकार बनाते, स्टैंडिंग चेयरमैन बनाते। जी जी, तो इसके अंदर शहर के लिए ये कितना नुकसान है, कितना हानिकारक? अगर लोग किसी को चुन के दे रहे हैं, किसी भी गट को, किसी भी पार्टी को, तो उनका एतमाद रहता है उस पार्टी पे, इसलिए चुन के दे रहे हैं। अगर इन्हीं को चुनना होता तो बीजेपी को चुने होते, लोग शिवसेना को चुने होते। बिल्कुल। लोगों ने 47 कॉरपोरेटर कांग्रेस के क्यों जिता के दिए? इसलिए जिताया जो कल हुआ, इसलिए जिताया लोगों ने। तो लोग इसलिए नहीं जिताए कि आप जाओ बीजेपी शिवसेना के साथ अलायंस कराओ, शहर की तरक्की के लिए लोगों को आप शहर ने जिताया था आपको। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि अगर इसमें ये लोग आने वाले, बस 2 ही महीना बाकी है और इसके अंदर इस तरह की राजनीति होती है। 2 महीना बचा हुआ है, 2 से 3 महीना है मैक्सिमम इलेक्शन को होने के लिए, और उसमें भी स्टैंडिंग का इतना बड़ा मामला होता है तो लोग क्यों वोट करेंगे, क्यों लोग जिताएंगे लोगों को? क्या है, कौन सी राजनीति है? सबको समझ रहे राजनीति किस बात की है, ये स्तर पे।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल डाल सकते हैं कि किस तरह की राजनीति हुई होगी कल, मतलब कुछ लेन देन घोड़े बाजारी का जो है ऐसा मामला चल रहा है? बगैर घोड़े बाजारी के तो यहाँ कुछ नहीं जी। मैं भिवंडी में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 90 तक हमारे रोड बहुत अच्छे रहे, 1992-93 तक। उसके बाद से पता नहीं कौन आया शहर में जो पूरा उथल पुथल कर दिया। बिजनेस करने वाले लोग दुकान खोल लिए, शटर सुबह खोल देते, लोग सुबह शटर खोल देते हैं। ये राजनीति शटर खोलने की नहीं है, दुकान नहीं है, ये लोगों की खिदमत के लिए। शहर में तो ये माना जा रहा है कि लोग अपनी अपनी दुकान चला बना के बैठे। ये दुकान नहीं है भाई, खिदमत है, और हम लोग बता देंगे इंशाल्लाह, ये खिदमत है लोगों की। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, मैं आप बता रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का रहमो करम है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए आया हूँ, और हमारे लोग आएंगे इंशाल्लाह इस मामले में। जी रियाज भाई, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो है आपने अध्यक्ष का पद संभाला है, और आपने कई जगह पे जो है कुछ मुद्दे गिनाए हैं कि इन्हीं मुद्दों पे जो है हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उस मुद्दों के हम जो है विस्तार से बात करें, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि किस तरह से जो है आने वाला इलेक्शन समाजवादी पार्टी जो है किन किन मुद्दों पर लड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके आने वाले इलेक्शन में? आज़ादी के 75 साल बाद, सुनिएगा, मैं आपको ही बता रहा हूँ, आज़ादी के 75 साल बाद मुझे शर्म आ रही है कि मैं इन पांच मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। रोड, ड्रेनेज, वाटर, हेल्थ केयर और एजुकेशन, 75 साल बाद हम लोग इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट की बात छोड़िए, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। रोड आप देख लीजिए कैसा है, चलने ऐसा नहीं रोड है। फिलहाल तो हर जगह बन रहे हैं रोड, बन रहा है, कब से 20 साल से झेल रहे हैं जी, बन रहा है, कहाँ बन रहा है? हमारे आमदार साहब किए, कुछ वहाँ वेस्ट में चालू हुआ, हमको तो अनदेखा कर दिया गया। 52 रोड बोलते पास करा है, 52 रोड में क्या जकात नाका से शांति नगर का रोड उस 52 की लिस्ट में रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? उस 52 रोड में ये शांति जकात नाका से शांति नगर रोड नहीं था, जिसमें 20 कॉर्पोरेटर लगभग आते हैं। तो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, दुर्लक्षण हुआ, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देखा दिया गया, ईस्ट हमेशा अनदेखा रहा। अब हमारे आमदार साहब आए, कर रहे हैं, आपको दिखेगा काम, देख लीजिए कितने काम है। गवीनगर की बात आई, रोड की बात आई, शांति नगर रोड की, तो उसमें तो आमदार साहब ने कहा था कि नवंबर से उसका काम चालू हो जाएगा, 17 करोड़ रुपये पास। थर्सडे के दिन सब कुछ हो चुका, थर्सडे के दिन आ रहे हैं लोग, इंजीनियर आ रहे हैं सलाउद्दीन स्कूल में, 4:30 बजे आ रहे हैं, वो लोग अपना पूरी टीम वूम लेके आ रहे हैं, काम चालू होगा इंशाल्लाह, वो पूरे सिस्टम बैठेंगे, बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, और आपको भी इंशाल्लाह हम बुलाएंगे वहाँ पे। तो ये 4 महीना क्यों लेट हो गया, मतलब कुछ अड़चन आ गई? लोग तो अड़चने डाल ही रहे हैं, लोगों का तो ये है कि जकात नाका से शांति नगर रोड ना चालू हो, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, वो अपने पास, उनको ये राजनीति करनी नहीं है, डेवलपमेंट की राजनीति आती ही नहीं है, सिस्टम नाम की चीज मालूम ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, जिस दिन मुझे लगा ना कि मैं नहीं कर पाऊं, मैं चला जाऊंगा उठ के, जिस दिन मुझे लगा ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं तो मैं चला जाऊंगा, आया हूं तो कायदे से करूंगा। अच्छा भाई, तो ये मेरे को बताइए कि ये हाँ रोड का तो जो मुद्दा था अभी आपने बताया, फिर से आता हूं, रोड बना नहीं, ड्रेनेज का इतना करोड़ आया, उतना मेरे हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपया आ चुका है, कई 100 करोड़ आ चुके हैं ड्रेनेज के नाम पे। ड्रेनेज जो रहती है, दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, ड्रेनेज और गटर, जो गटर में पानी आएगा, जो भी कुछ आएगा वो ड्रेन में जाएगा और ड्रेनेज होगा जी। ड्रेनेज के नाम पे 200 करोड़, 300 करोड़, मालूम नहीं कितने करोड़ आए हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पिछले 10 साल से इस शहर में गटर का काम नहीं हुआ है, तो पहले गटर बनेगी, गटर की बहुत बुरी हालत है। अभी हमने 30 लाख रुपया दिया कल्याण रोड पे गटर का, 25-30 लाख रुपये दिए जकात नगर शांति, तो गटर का काम है, हम लोग कितना देंगे आमदार फंड से, तो ये गटर पहले बने, तो गटर से ड्रेनेज में आएगा, तो गटर बनाई नहीं जा रही है, और गटर बने हुए 10-12 साल हो चुके हैं। तीसरी बात पर मैं आता हूँ, पानी, भिवंडी में पानी की जरूरत 200 MLD की है, मोर देन 200 ML, 200 ML से ऊपर है, मिलियन लीटर पर डे, जिसमें 73 ML स्टेम से आता है, स्टेम एक वाटर फिल्टर होके आता है वहाँ पे जी। जो टेम घर में है, स्टेम का प्लांट है,
और वो हमको सिर्फ अपने प्रोडक्शन का 14% देती है, जो भिवंडी शहर है, सिर्फ 14% जो उनका प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 14% देती है, 73 MLD। उसके बाद बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अपने हमको 40 MLD आता है, BMC से। उसके बाद वराल देवी लेक से 5 MLD आता है। अच्छा। तो स्टीम का छोड़ के जो पानी हमको रॉ वाटर मिल रहा है, तो आज हम विदाउट फिल्टर हम रॉ वाटर पी रहे हैं, फिल्टर चोकअप हो जाते हैं हमारे। सही। हमको पानी भी नहीं मिल रहा है, ब्राउन कलर का पानी मिलता है, बॉटल में रखिए आप। कि जो आप बोल रहे थे 200 MLD पानी के रिक्वायरमेंट है और 118 मिल रहा है, तो यहाँ पे 100 MLD तो अभी हमने सुना है कि अभी पास करवा के लाया गया है, 100 MLD 2013 से पास हो रहा है सर, 2013 से पास हो रहा है। सिटी इंजीनियर गायकवाड़ साहब, उनसे पूछिए, उनके पास पेपर होगा 2013 से। रिनोवेट सब लोग बोल रहे हैं मैं किया पास कर, भाई ले आओ, हम तो आपका खैर मकदम करते हैं जी। आप ले आओगे ना पानी जितने सौ, हम आपका खैर मकदम करेंगे, काम होना चाहिए शहर में। और मैं आपसे बोलता हूँ फिरोज भाई, आपके एक इंटरव्यू सोचा था कि 2019 से पहले आप, मैंने कहा था कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, 2019 के बाद ही डेवलपमेंट की बातें शुरू हुई हमारे आमदार रईस शेख के आने के बाद से, नहीं तो कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता था। आप इंटरव्यू आप भी करते रहे, जर्नलिज्म में आप पुराने हैं, बिल्कुल, मगर आपने सुना था क्या कि 2019 से पहले डेवलपमेंट की बात होती थी? नहीं, लेकिन 2019 से पहले तो ऐसा भी नहीं कि भिवंडी एकदम जो एक खसारे में था कि भिवंडी के अंदर। मैं आपको जैसे बताया हूँ, 90 तक के 92 तक डेवलपमेंट हुआ जी, फिर अचानक रुक गया क्योंकि अचानक कॉरपोरेशन बिजनेस में कन्वर्ट हो गई। 20 साल का जो खामियाजा हम लोग भुगत रहे ना, सब बिजनेस में कन्वर्ट हो गई। इस बात को मानते हैं आप कि नहीं मानते, ये मेरा सवाल आप। नहीं, ये 100% सही बोल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा अगर आप शहर के। बिल्कुल। मैं आता हूँ चौथे पॉइंट पे अपने हेल्थ केयर जी। 19 हेल्थ केयर सेंटर है हमारे कॉरपोरेशन, 17 रनिंग में, उसमें सिर्फ वैक्सीनेशन होता है। चिंबीपाड़ा ना छोटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, जब आप निकलोगे ना पारोल वाले रोड पे, एक छोटा चिंबीपाड़ा, वहाँ डिलीवरी होती। हमारे 17 में कहीं कोई डिलीवरी नहीं होती, प्राइमरी मेडिसिन भी रेगुलर नहीं रहती। अगर हम लोग ये एक्टिव कर ले 19 हेल्थ केयर सेंटर, तो आप समझ लो 50% ऑफ द इंदिरा गांधी का लोड कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। अब मैं आता हूं आपके, वहां पे डिलीवरी नहीं होती, बताया एजुकेशन पे, मोर देन 90 स्कूल्स है भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल काउंसिल के, 90 गवर्नमेंट के स्कूल है कॉरपोरेशन की, जिसमें बहुत सारी, तो आपके 22-62 आप देख लो साईनगर पे जो हम बनाने जा रहे हैं 3.5 करोड़ के फंड से, डायलिपिटेटेड कंडीशन में टूट फूट रही है, मतलब वहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे, 2 स्कूल एक जगह शिफ्ट हो गई है। हाँ। ये हालत है, ऐसी कई जगह पे लोगों ने शिफ्ट किया है, दो स्कूल शिफ्ट किया। क्यों? मेरा सवाल है क्यों, जब हम 8 से 12 करोड़ रुपया एजुकेशन सेस के नाम पर हम भिवंडी कर भरते हैं हर साल, तो क्यों एजुकेशन सेस का घर पट्टी में लिखा रहता है एजुकेशन सेस 8 से 12 करोड़ रुपए भरा जाता है, और 28,000 बच्चे पढ़ रहे हैं भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, 2 साल से पढ़े नहीं, क्योंकि वो हमारे बच्चे तो पढ़ लेते हैं, उनको टैब मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, और लोग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे नेता जो बड़े हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, टैबलेट है, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगा दी गई है घर पे, जो 28,000 बच्चे वो मोबाइल खरीद नहीं पाए। क्या कॉरपोरेशन का फर्ज नहीं बनता था कि वो 1 साल का एजुकेशन सेस निकाल के मोबाइल इनको दे देवे? बनता था या नहीं बनता था फिरोज भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पॉसिबल है? आप जाके देखिए स्कूल में टॉयलेट की कंडीशन खराब है, लेडी बच्चियां जाती है, दरवाजे नहीं है, पीने के पानी नहीं है, क्लासरूम नाम की चीज नहीं है, क्या है ये? मैं आपको ये बोलूंगा, इंशाल्लाह भिवंडी की आवाम इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में दिखाएगी लोगों को कि क्या हम है। तो क्या आप, वही मैं बोल रहा था कि आपकी अगर सरकार आती तो ये सारी चीजों पे आप सबसे पहले काम करेंगे? मेरा 5 एजेंडा है रोड। तो कितने दिनों के अंदर ये जो एजेंडा है आपके, ये आप मतलब तब्दीली दिखना शुरू हो जाएगी या आप उसको लाके खड़ा कर दोगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और हमारी सरकार आई और इंशाल्लाह आएगी, हमारे लोग बाग आए, तो हम लोग साल भर के अंदर ये चेंजेस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप फिर आवाम से क्या आपको दिखेंगे? मैं नहीं बोलता तख्ता पलट, 100% तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब इस इन चीजों पे काम स्टार्ट हो जाए। और इस दर्द की वजह से मैं राजनीति में आया हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला, आज भी आपको बता रहा हूँ।
मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और लोगों का दर्द समझता हूँ, मुझे लगा कि ज़रूरत है तो मैं आया। मतलब इलियास भाई किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे अभी आने वाले वक्त में, तो ठीक है मैं एक रहना पसंद करता हूँ भाई, मैं ज़मीनी इंसान हूँ, बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह की राजनीति, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, फिर इसके बाद में सारे आपने जो है अपने मुद्दे गिनाए कि कहीं पे भी जो है ठीक से काम नहीं हो पा रहा, फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो या तो फिर एजुकेशन हो, तो इसमें फिर आप आवाम को क्या कहेंगे? मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में सच्चा और अच्छा, ईमानदार, थोड़ा पेट भरा हुआ नुमाइंदा लाए, जो आप लोग के बीच में रहे और आप लोग को समझे, ऐसा नुमाइंदा लाए। हालांकि 3 का पैनल हो गया है, ब्लैकमेलिंग बहुत चलेगी कि हमारा पैनल खड़ा है, मगर फिर भी हम इंशाल्लाह हम उतरेंगे, कायदे से उतरेंगे इंशाल्लाह। एक मैं इसमें सवाल पूछूंगा, जहां पैनल की बात आती तो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में क्या आपकी पार्टी किसी और पार्टी के साथ में अलायंस करने के लिए देख रही है कुछ? मैं बिल्कुल अलायंस किसी से नहीं करना चाहते, हम लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अच्छा, एकदम क्लियर है, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। हाँ, हम तो जीरो पे है, हमारे तो 2 थे उनको भी हमने निकाल दिया बंडखोरी के लिए, हम तो जीरो पे है, हम तो ग्रोथ पे ही आने वाले हैं। ग्रोथ कितना परसेंट होती है ये शहर की आवाम तय करेगी, और हमारा काम बोलता है, हम बार बार बोलते जो चीजें है रोड पे दिखेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग जगात नाके से शांतिनगर तक क्या काम कर रहे हैं लोगों को मालूम है, कि टॉयलेट का काम हो, कि रहमतपुरा शादी हॉल का काम हो, कि अंसारी प्लेग्राउंड का हम लोगों ने लिया काम, या 2262 स्कूल का किया, बहुत सारे काम है। जी जी, मैं 2 सवाल आखिरी पूछूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इंटरव्यू, 2 सवाल आपसे आखिरी रहेगा। सबसे पहले एक सवाल ये कि कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो आप लोगों की जो एक्टिविटी जो है, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी नज़र आती है हर जगह पर नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ना ये शहर के कहो या तो फिर एक इलाके के या भिवंडी ईस्ट के कुछ ही खास हिस्सों में नज़र आती है। साहब, हम लोग वेस्ट में भी दिखते हैं, मगर वेस्ट में आपको इसलिए नहीं दिखता कि यहाँ पर हमारे आमदार है, जो उनके वर्क है वो दिख रहे हैं, वहाँ हमारे आमदार नहीं है। अगर हम लोग ईस्ट की भी बात करें तो ईस्ट में भी कहीं कुछ खास हिस्सों में नजर आती है, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि हमने अजमेर नगर साइड में या धामनगंज के साइड में या नारपोली साइड में अंजुर फाटा साइड में, वहाँ पे आपको बताओ पटेल कंपाउंड में भी हम काम कर रहे हैं, नल का ड्रेनेज का काम किए। एक्चुअली क्या है कि हमारे कॉरपोरेटर अगर काम करते तो हमको वो काम नहीं करना पड़ता, आमदार का काम किए होते हम, तो हम लोग अभी कॉरपोरेटर के वाले भी काम कर रहे हैं जो बता रहे हैं, ड्रेनेज का, नल का, पानी का, ये सब काम कर रहे हैं। पटेल कंपाउंड में भी हमारा काम है, कामत घर में बहुत 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 का बनाए हैं हम लोगों ने, हमारा पद्मा नगर में भी रोड का काम चालू है। अब कहाँ बोलिए, अब नहीं काम चालू, बताइए ना आप किस इलाके की बोलिए, हम बता देंगे आपको। जी, मैं अजमेर नगर की बात कर रहा था, नारपोली की बात कर रहा था, अंजुर नगर का मैं बता रहा हूँ, रोड का काम चालू हो रहा है उधर, पानी का और ड्रेनेज का, हम लोग रोड का भी डाले हैं। हाँ, ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 101 में से कितनी सीट के ऊपर आप इलेक्शन करोगे? ये शहर के लोग तय करेंगे कि किसको कितना सीट मिलेगी। अच्छा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी। खड़े कितने कितने सीटों पे उम्मीदवार? मैक्सिमम सीट्स पे खड़े होंगे हम लोग, यहाँ पे 80-90% हम लोग तो सोचेंगे 100% सीट पे खड़े करें, मगर 80-90% सीट पे हम खड़े करेंगे अपने कैंडिडेट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में रियाज आजमी, समाजवादी पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम लोग जो है वो इस तरह की बातें कर पाते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत सारी बातें की, आंखें खोलने वाले फैक्ट्स हमारे सामने रखे। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि शहर को आने वाले दिनों में ऐसे ही पढ़े लिखे नुमाइंदे मिले, पढ़े लिखे लीडर्स मिले, ताकि शहर की रहनुमाई अच्छी हो, शहर का डेवलपमेंट अच्छा हो। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।